हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज जो आपके लिए जो मॉडल लेके आए हैं ये आपका किया सोनेट का एसटीएक्स वेरिएंट। ये आपको एसटीएक्स वेरिएंट कम आपको ये एक जीटीएक्स वेरिएंट ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी टाइगर नोज ग्रिल है वहाँ पे आपको ऑरेंज का इंसर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे पास आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनिवर्सरी एडिशन की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। और ये जो प्रॉपर नीचे की स्किड प्लेट है, ये प्रॉपर पूरी स्किड प्लेट आपको जीटीएक्स ट्रिम के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे राइट हैंड साइड पे जीटीएक्स ट्रिम खड़ा हुआ है और वहाँ की जो आपकी नीचे की ग्रिल है वो बिल्कुल कॉमन है एनिवर्सरी एडिशन से, लेकिन एनिवर्सरी एडिशन की ग्रिल कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। अगर आप एक नॉर्मल एसटीएक्स वेरिएंट लेंगे तो आपको इस तरीके की ग्रिल देखने को मिलेगी। प्लेट के ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी आपको एक मस्कुलर लुक नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस एसटीएक्स वेरिएंट में 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये एनिवर्सरी एडिशन मिलेगा, जिसमें ये जो स्किड प्लेट है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर लग रही है। और वहीं ये जीटीएक्स ट्रिम है, और अगर आप इसकी स्किड प्लेट देखेंगे तो यहाँ पे भी बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे उन्होंने रेड का इंसर्ट दिया गया है और यहाँ पे ऑरेंज का इंसर्ट है। लेकिन नो डाउट मुझे एनिवर्सरी एडिशन का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगता है। अगर आप लोग भी देखें, ये आपके पास जीटीएक्स ट्रिम खड़ा है या आपके पास एसटीएक्स ट्रिम खड़ा है, और किसका बोल्ड लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव या बोल्ड लग रहा है, तो एनिवर्सरी एडिशन इज नो डाउट ज़्यादा फ्रेश और अपीलिंग लग रही है अगर उसको मैं जीटीएक्स ट्रिम से कंपेयर करूँ। और जीटीएक्स ट्रिम आपकी 14-15 लाख ऑन रोड के प्राइस में देखने को मिलेगी, वहीं आपका जो एनिवर्सरी एडिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 13,10,000 रुपये ऑन रोड में मिल जाएगा। मतलब आपको एसटीएक्स और एनिवर्सरी एडिशन में 50,000 या 55,000 रुपीज़ खर्च करने हैं और आप इस गाड़ी में कन्वर्ट बहुत आराम से कर सकते हो। मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। बस इस वेरिएंट का नाम जो पड़ जाएगा वो एनिवर्सरी एडिशन पड़ जाएगा। एनिवर्सरी एडिशन में और बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप जीटीएक्स वेरिएंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम रेड इंसर्ट दिया गया है यहाँ पे जो स्किड प्लेट है, लेकिन यहाँ पे भी जो स्किड प्लेट है आप देख सकते हैं एनिवर्सरी एडिशन के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है। बाकी जो आपके अलॉय व्हील्स हैं यहाँ पे भी आप देखो, जो आपके टॉप ट्रिम के अलॉय व्हील्स हैं जो जीटी मॉडल में देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर आप एनिवर्सरी एडिशन के अलॉय व्हील्स देखेंगे ये भी सेम है। तो अलॉय व्हील्स के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं, आपके अलॉय व्हील्स भी पूरे सेम हैं। और अगर आप एनिवर्सरी एडिशन में और चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे और कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, चाहे आप डीजल वेरिएंट ले चाहे इसका आप टर्बो वेरिएंट ले, तो आपको ये सारे के सारे जो आपके गिमिक्स फीचर है, जो सारे के आपको स्किड प्लेट दिख रही है मस्कुलर, वो आपको एसटीएक्स वेरिएंट के अंदर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप आई बटन में देखेंगे तो इसकी वीडियो पहले से बनी हुई है, क्योंकि HTX का इंटीरियर और एनिवर्सरी HTX के इंटीरियर में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ आपका आउटर में फर्क था। अगर आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, आपको एक मस्कुलर लुक चाहिए, आप चाहते हो कि रोड पर आप निकले आपकी गाड़ी को सब घूर घूर के देखें और लगे कि आप एक टॉप मॉडल गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो आप 50,000 रुपये दे के अपना एनिवर्सरी एडिशन को ले सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल HTX वेरिएंट को चला सकते हैं, इंटीरियर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ एनिवर्सरी एडिशन की बैजिंग और आपको जो क्रोम का जो फिनिशिंग देखने को मिल रही है और ऑरेंज का जो इंसर्ट है फ्रंट में, सिर्फ वही एक डिफरेंस है। अंदर की बात करूं तो, लेकिन हाँ, 2022 के अंदर 2021 के कंपैरिजन, मतलब 2021 के कंपैरिजन बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी जो MID है, तो आप पहले की जो किया आती थी उसकी MID काफी छोटी थी, इसकी MID को भी काफी बड़ा करा गया है और इसकी MID को कलर्ड बनाया गया है। जो इससे पहले आपको सोनेट STX वेरिएंट देखने को मिलता था उसकी MID पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी। यहां पे आपको स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स का ऑप्शन तो है ही, एक और नई चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी गई है कि यहां पे आपको STX वेरिएंट से किया कनेक्ट के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि अगर अब मैं देखूंगा तो मैं यहां जैसे ही यहां पे MID को यहां से कंट्रोल करूंगा तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। जैसे ही मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा तो मैं चारों टायर में कितनी एयर है उसको भी आराम से गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मेजर कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर जो हैं वो सिर्फ आपको STX ट्रिम के अंदर ही नहीं, आपको नीचे वेरिएंट्स में देखने को भी मिलेंगे, लेकिन ये जो बड़ी स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपको STX के अंदर देखने को मिलेगी। अभी आपने वीडियो देखी होगी HTK प्लस वेरिएंट की, तो इससे नीचे जो भी वेरिएंट आते हैं आपका HTE, HTK, HTK प्लस, सब में आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डुअल फिनिश इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहां पे आपको बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और ये थोड़ा सा आपको एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं देता, आपको एक एरी केबिन लगता है, क्योंकि जब पूरा ब्लैक होता है तो गाड़ी बहुत ज्यादा दबी सी लगती है अंदर से। ऐसा लगता है कि गाड़ी को इतनी स्पेशियस नहीं है या मेरी कोई गाड़ी में कुछ प्रीमियम फील नहीं हो रहा थोड़े समय के बाद, लेकिन ये डुअल टोन फिनिश के जो है ना, ये जो डुअल टोन फिनिश है ये आपका सदाबहार फिनिश है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको मैनुअल IRVM देखने को मिलेगा। ऑटो IRVM की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको GT ट्रिम्स के अंदर ही देखने को मिलेगा।
आपका जो स्टीयरिंग है यहाँ पे प्रॉपर आपको लेदराइट स्टीयरिंग है, ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर लेदर से इसकी स्टिचिंग करी गई है और ये डी कट स्टीयरिंग व्हील है। इसके नीचे वाले ट्रम्स में आपको ना तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और ना ही आपको डी कट मिलेगा, वो पूरा आपको जो स्टीयरिंग होगा वो राउंड होगा, लेकिन यहाँ पे डी कट से एक और स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेलीस्कोपिक का ऑप्शन सोनेट के अंदर देखने को नहीं दिया गया है। आपके जो एसी की यूनिट है ये पूरी ऑटोमेटिक एसी की यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर, यहाँ से अगर मैं फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, एसी को अप एंड डाउन कर सकता हूँ, तो ये पूरा ऑटोमेटिक भी एसी है। यहाँ पे आपको सिंपल ऑटो को क्लिक करना है और आपका एसी जो है वो ऑटोमेटिकली वेदर के अकॉर्डिंग आपके अंदर के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा। ये जो है ये आपका एक IMT ट्रांसमिशन है, तो आपको IMT ट्रांसमिशन के साथ साथ अगर आप STX के अंदर डीजल वेरिएंट भी लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको 6-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गियरबॉक्स में भी है, यहाँ पे भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, ये भी एक पूरा लेदर रैप्ड गियरबॉक्स है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा प्रॉपर लेदर रैप्ड गियरबॉक्स है। यहाँ पे आपको एक USB सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग के लिए भी एक USB सपोर्ट एक्स्ट्रा दी गई है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने को मिलता है। ये आपको देखने से लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग STX वेरिएंट से नहीं है, वायरलेस चार्जिंग आपको सिर्फ GT ट्रिम्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट भी मिलता है, उसके नीचे एक यूटिलिटी स्पेस दी गई है और ये जो मेरा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप मिलेगा, 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स, यहाँ पे ट्विटर्स आप देख सकते हैं और यहाँ पे 4 स्पीकर्स विद ट्विटर्स। म्यूजिक क्वालिटी स्टॉक म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किया सोनेट के या सेल्टॉस का ये जो आर्गमिकन का जो म्यूजिक सिस्टम है इसकी म्यूजिक क्वालिटी को सुनना चाहते हो तो ऊपर आपको आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा और मैं आपको ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप इसके म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी को पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बस आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करना है। इसका म्यूजिक जो स्टॉक स्पीकर्स हैं आर्गमी के वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन GT ट्रम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स तो मिलेंगे। वहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एरकमी का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीट्स का जो फैब्रिक देखेंगे तो सीट्स की जो कुशनिंग है बहुत ही अच्छी है, बकेट सीट्स है हमारी पूरी। यहाँ पे आपको जो कलर ऑप्शन है पूरा डुअल दिया गया है, यहाँ पे बेज और ब्लैक का कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप नो डाउट देख सकते हैं कि सीट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो STX ट्रिम के अंदर ये जो सीट्स आती हैं ना ये नो डाउट बहुत अच्छी हैं। आपको दूर से ऐसा लग रहा होगा ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बट ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। वेंटिलेटेड सिर्फ सीट्स जो हैं आपको सिर्फ STX वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगी, वेंटिलेटेड सीट्स सिर्फ और सिर्फ आपको हायर ट्रिम्स में दी गई हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है। तो स्टीयरिंग आपने देख लिया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये आपको नीचे लोअर ट्रिम्स में नहीं देखने को मिलेगा। STK प्लस आप कोई भी वेरिएंट लेते हैं वहां पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। आप यहां से ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल, तो आपको MID के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का शो हो जाएगा कि आपका इनेबल है या डिसेबल है। यहां पे आपका हेडलाइट का लेवलर आ गया, ऑल 4 पावर विंडोज, 1 टच डाउन और 1 टच अप का इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपका ये जो ORVM है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये आपके ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं। जैसे अगर आप की से इस ORVMs को क्लोज करोगे तो ये अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा फीचर है। काफ़ी गाड़ियों में हमने देखा है, मारुति गाड़ियों के अंदर भी देखा है कि जो उनके ORVMs हैं वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल तो हैं लेकिन जब गाड़ी को बंद करते हैं ORVMs क्लोज तो हो जाते हैं लेकिन गाड़ी खोलते समय ORVM खुलते नहीं, आपको मैन्युअली खोलने पड़ते हैं। लेकिन किया या Hyundai की कारों में ऐसी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। यहाँ पर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है लेकिन हायर ट्रिम्स में आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं। एक तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप गाड़ी चलाते चलाते अपना बैक कैमरा भी ओपन कर सकते हो, बस आपको ये DRVM को क्लिक करना है और जब आपकी गाड़ी चल रही होगी आप IRVM के अंदर ही नहीं आप यहाँ पे भी अपने कैमरे से पीछे की व्हीकल्स को देख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं सोनेट को वेन्यू से कंपेयर करूँ Hyundai Venue से, तो Hyundai की कार्स काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, उन्होंने कोई भी इस गाड़ियों के अंदर कुछ भी अपग्रेड नहीं करा है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स भी मिसिंग है। पता नहीं Hyundai ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने स्टॉक्स को क्लियर करने में लगा हुआ है या Hyundai अपनी क्वालिटी को लेकर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है कि हमारी गाड़ियाँ तो बिक जाएंगी, तो इसीलिए वो अपनी अंदर की क्वालिटी, इंटीरियर, जो इनका स्टीयरिंग है, कुछ सब एक आउटडेटेड से लगते हैं। लेकिन आप किया की गाड़ी अगर आप देखेंगे बिल्कुल एक अप मार्केट के साथ साथ जैसी कोई गाड़ी के अंदर बैठेगा, वो नो डाउट हर एक इंसान यही कहता है कि किया का जो इंटीरियर है, ये जो डैशबोर्ड है प्रॉपर, ये जो इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये बहुत ही प्रीमियम लगता है, प्लस लगता है मेरे को इंटीरियर, बहुत क्लियर इंटीरियर देखने को मिलता है। अगर आप रियर साइड की बात करेंगे तो STX वेरिएंट के अंदर और एनिवर्सरी एडिशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो सबसे मेजर चेंज है
वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी स्किड प्लेट है यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, लेकिन STX वेरिएंट के अंदर आपको ग्रे फिनिश पूरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगेन ये जो डिफ्यूजर है वो STX वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगता है, और यहाँ पे भी आपको ऑरेंज का इंसर्ट दिया गया है जो STX वेरिएंट के अंदर नहीं है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको किया सोनेट के अंदर 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है। यहाँ पे कुछ एसेसरीज दी गई हैं और इसके नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील भी देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ड्रीम व्हील्स इंडिया। थैंक यू।